दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय एडिफाई स्कूल छतरपुर, थिंक बियॉन्ड। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के साथ साथ छतरपुर में भी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। जिला अस्पताल में हालात बिगड़ने लगे हैं। प्रतिदिन 100 से अधिक संक्रमित मरीजों के सामने आने के कारण अस्पताल में जहां इलाज और जांचें प्रभावित हो रही हैं, तो वहीं लोगों में दहशत भी पनपने लगी है। मंगलवार को अब तक के सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आए। दो महिला चिकित्सकों और नारायणपुरा रोड पर रहने वाली एक भाजपा नेत्री के साथ लगभग 150 मामले शाम 7 बजे तक आ चुके थे। जिला अस्पताल में कोरोना के संदेहास्पद मरीजों के लिए 40 बिस्तर का निमोनिया वार्ड बनाया गया है, जो कि मंगलवार को फुल हो चुका है। इस वार्ड में अपनी कोरोना रिपोर्ट का इंतजार करने वाले मरीज भर्ती हो चुके हैं। ज्यादातर मरीजों का ऑक्सीजन लेवल नीचे गिर रहा है। वार्ड में तैनात स्टाफ के बीच अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। जिला अस्पताल में कोरोना की जांचों के लिए फीवर क्लिनिक बनाया गया है। जिन लोगों को सर्दी खांसी बुखार जैसी समस्याएं हैं, वे सभी इस फीवर क्लिनिक में अपनी कोविड जांच करा सकते हैं। पिछले एक सप्ताह में कोरोना की बेकाबू लहर के कारण यहां की व्यवस्थाएं भी धराशायी होने लगी हैं। फीवर क्लिनिक में सैंपल लेने और मरीज का रजिस्ट्रेशन करने के लिए 2 काउंटर बनाए गए हैं, जिसके कारण अत्यधिक भीड़ लग रही है। उल्लेखनीय है कि जिले में प्रतिदिन लगभग 700 जांचें की जा रही हैं। इनमें से 400 जांचें छतरपुर जिला अस्पताल में हो रही हैं। कोरोना वायरस की चपेट में आए भोपाल में कार्यरत एक 38 वर्षीय चिकित्सक डॉक्टर राकेश जैन का निधन हो गया है। डॉक्टर राकेश जैन छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा के निवासी थे। उनके पिता बालचंद्र जैन सेवानिवृत्त पंचायत इंस्पेक्टर रहे। डॉक्टर जैन भोपाल के मिनाल में अपना क्लिनिक संचालित करते थे। पिछले दिनों भोपाल में ही संक्रमित होने के कारण वे चिरायु अस्पताल में भर्ती थे, जहां मंगलवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टर जैन की मौत से बड़ा मलहरा में शोक की लहर रही। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाजा छतरपुर जिले के पिछले 25 दिनों के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। जिले के कोरोना मुक्त होने के बाद दूसरी लहर का पहला कोरोना मरीज 18 मार्च को सामने आया था। महज 25 दिनों के बाद 13 अप्रैल को शाम 7 बजे तक जिले में एक्टिव केस का आंकड़ा 501 हो गया। दूसरी लहर में ये वायरस तेजी से फैल रहा है। मंगलवार को जिले से भेजे गए 347 सैंपल समेत अब 556 सैंपल की रिपोर्ट बीएमसी में पेंडिंग है। जिले से अब तक कुल 82,819 सैंपल भेजे गए, जिनमें से 2,771 पॉजिटिव और 79,067 निगेटिव पाए गए, जबकि मंगलवार को 2 सैंपल समेत 425 सैंपल अब तक रिजेक्ट हुए हैं। जिले में अब तक कुल 1,335 लोगों को होम आइसोलेशन पर रखा गया है, जिनमें से अब केवल 450 लोग ही इलाजरत हैं। Now stop that and eat your breakfast. अरे अरे रिलैक्स डैड, ये बटर स्टिक है, मैंने बनाई है ताकि नाइफ यूज ना करना पड़े। एडिफाई स्कूल छतरपुर, एडमिशन ओपन नर्सरी टू ग्रेड 9th। कॉन्टेक्ट अस 9399496249। एडिफाई स्कूल, ब्लेड चौका, सागर रोड, छतरपुर।